हाय एवरीवन, सेड हियर बैक अगेन विद अनदर वीडियो। सो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ किस तरह से लैरवेल 8 में यूजिंग एजेक्स का यूज़ करके आप किस तरह से इमेज को अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अभी बाय डिफ़ॉल्ट देखिए दो फील्ड हमारे पास पे दी हुई है, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको रिफ्रेश किया, ये हमारा पोर्ट रनिंग है। इस पोर्ट में माइट बी समथिंग इशू इज देयर। सो मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ, रन करता हूँ PHP आर्टिशन सर। सो ये जो है हमने ब्लॉग लिखा हुआ है अभी, और सबसे पहले ये देखिए ये रन हो गया। उसके बाद में हम जाते हैं, सबसे पहले राउट्स में जाके मैं चेक करता हूँ किस URL पे हमने बनाया ये इमेज अपलोड, ठीक है। सो मैं इस पे जाके हिट मारता हूँ। सबसे पहले हमने इस पे हिट किया और हमारा ये फॉर्म आ गया। अब मैं इस पे नेम में लिखता हूँ, जैसे सपोज सिद्धार्थ ब्लॉग। मैंने फाइल सेलेक्ट किया, जब मैं फाइल सेलेक्ट किया मैंने, और यहाँ से सॉरी मैं एज अ बैनर ले लेता हूँ, बैनर यहाँ पर एक बैनर है, ठीक है। मैं इस बैनर को अपलोड करता हूँ। ये देखिए इमेज अपलोडेड सक्सेसफुली, हमारे पास अलर्ट आ गया और साथ ही साथ हमारे पास में ये इमेज भी आ गई, ठीक है। तो इस तरह की फंक्शनलिटी वो हम डिस्कस करेंगे किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में हम डेटाबेस में भी स्टोर कर रहे हैं, तो उसको भी चेक करेंगे क्या ये डेटाबेस में स्टोर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ अपने सेकेंड हमारा जो ब्लॉग है लैरवेल 8 का, हम उस पर जाते हैं। इसका नाम हमने क्या रखा है पहले देख लेते हैं। .env के अंदर database.php है हमारी फाइल, जिसका नाम है लैरवेल एजेक्स, ठीक है। तो हम मैं जाता हूँ यहाँ पे लैरवेल एजेक्स में, गो इनसाइड बिलो, ये है लैरवेल एजेक्स यहाँ पे टेबल पे। अब मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है जो कि एजेक्स इमेजेस, ठीक है। मैंने इस हिट मारा, अभी हमने लास्ट में सिद्धार्थ सिद्धार्थ नेम से किया और यहाँ पे इमेजेस आप देख रहे होंगे आ गई है क्रिएटेड अपडेटेड है। तो इस तरह से हम जो है यहाँ पे इमेज को अपलोड कर रहे हैं। मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, ठीक है। हमने इसे ट्रंकेट कर दिया दोस्तों। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं करूँगा ये कि आपको ये बताऊंगा ये किस तरह से हमने बनाया है सब कुछ, और फिर मैं आपको एक डिस्क्राइब करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लैरवेल इंस्टॉल कर सकते हैं। इफ़ आपको नहीं आइडिया कि लैरवेल किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो मैंने प्रीवियस वीडियो पर डिस्कस किया है कि किस तरह से आपको लैरवेल को इंस्टॉल करना है। जब आप लैरवेल को इंस्टॉल कर लेंगे, उसके बाद में क्या करना होगा, आपको कुछ कमांड है जो कि रन करनी होगी, तो हम उस पर डिस्कस करते हैं। तो जैसे ही आप जो है लैरवेल की कमांड को रन करेंगे, उसके बाद आपको टेबल का माइग्रेशन क्रिएट करना होगा, ठीक है। तो PHP आर्टिशन माइग्रेट वाली जो कमांड है आप उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों मैंने ब्लॉग भी लिखा है, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो ठीक है, इस तरह से हमने माइग्रेशन करके हमने क्रिएट किया हुआ वो, तो उसके बाद में हमारे पास भी मॉडल है लैरवेल 8 में। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ऐप के अंदर ही हमारा मॉडल्स होता है, ठीक है। इसके अंदर देखिए मॉडल्स है हमारा, हमने मॉडल्स इस तरह से बना के रखा है। तो दोस्तों लैरवेल में क्या होता है, सपोज जहाँ पे आई या कैप्स में समथिंग आता है, तो उसको क्या करता है, टेबल के फॉर्म में हम समझते हैं, वहाँ पे क्या करता है ये एज अ ये जैसे ये फास्कल केस होता है बेसिकली, कैप्स बीच में फिर बीच में ये, तो आपको ये जो केस इस तरह से होता है, तो यहाँ पे हम ना यहाँ पे बीच में जो अंडर स्कोर आ जाएगा ऑटोमेटिकली टेबल में, तो हमारे टेबल का नाम जो है हम रन कौन सी कमांड करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपको रन करना होगा PHP आर्टिशन मेक, ठीक है, मेक माइग्रेशन, और यहाँ पे माइग्रेशन का नाम, तो हमारे माइग्रेशन का नाम जैसे यहाँ पे आप लिखिए क्रिएट अंडर स्कोर, बनाना क्या था एजेक्स अंडर स्कोर इमेजेस अंडर स्कोर टेबल। आप इसको हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जो टेबल क्रिएट होगी इस नेम से हो जाएगी, और आपको एक मॉडल क्रिएट करने के लिए लिखना होगा PHP आर्टिशन मेक मॉडल, और आपको मॉडल का नाम, मॉडल का नाम क्या है हमारा एजेक्स, यहाँ पे हमारा एजेक्स इमेज है, ठीक। इस तरह से आप क्रिएट करेंगे मॉडल, ठीक है, एजेक्स इमेज करके। तो इससे आपका क्या क्या क्रिएट हो जाएगा, एक तो टेबल क्रिएट हो जाएगी, दूसरा आपका मॉडल क्रिएट हो जाएगा। सो दोस्तों, जब आप इसे इन दोनों कमांड को रन करके अपने मॉडल को और अपने टेबल को क्रिएट कर लेंगे, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपने ये रन कर लिया होगा। देन इसके बाद में क्या करना होगा हमें दोस्तों, सबसे पहले ये कमांड हो गई, इसके बाद हमें मॉडल वो अपना जो कंट्रोलर हो कंट्रोलर क्रिएट करना होगा। तो दिखाता हूँ, हमारे पास में HTTP के अंदर एम्प्लॉय इमेजेस नेम से कंट्रोलर है, ठीक है। ये देखिए एम्प्लॉय इमेजेस नेम से कंट्रोलर है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले
जो हमने मॉडल क्रिएट, पहले आपको कंट्रोलर क्रिएट करना है। तो दोस्तों आपको किस तरह से मॉडल क्रिएट करना है, किस तरह से कंट्रोलर करना है क्रिएट, तो ये ना आप, मैंने इस पे वीडियो पे डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको फिर भी कमांड बता रहा हूँ यहाँ पर किस तरह से रन करना है। PHP आर्टिशन मेक, आपको कंट्रोलर क्रिएट करना है तो कंट्रोलर, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे दोस्तों लिखना होगा कंट्रोलर का नेम, जैसे यहाँ पे एम्प्लॉय कंट्रोलर है, कंट्रोलर का नेम। तो इस तरह से आपने इस कमांड के थ्रू आप कंट्रोलर को क्रिएट कर सकते हैं। जब आपको कंट्रोलर क्रिएट हो जाए, उसके बाद क्या करना होगा, सबसे पहले हमने जो यहाँ पे इमेजेस ये यूज़ किया है, जो हमने मॉडल बनाया है, हम मॉडल को यहाँ पे एज अ नेम स्पेस के थ्रू यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक वैलिडेटर है जो हम फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूज़ करेंगे, तो एज अ वैलिडेटर हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब आगे की प्रोसेस क्या है दोस्तों, जैसे हमने यहाँ पे किया, हमारे पास में व्यू है। अब व्यू कैसे आप बनाएंगे, आप डायरेक्टली जाके blade.php नाम रख सकते हैं, आप वहाँ पे जाइए व्यूज़ के अंदर, ये डायरेक्टली व्यू रिसोर्स के अंदर, व्यूज़ के अंदर फोल्डर है। आपका स्ट्रक्चर कहाँ पे होता है, इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास व्यूज़ नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमने बनाया है एम्प्लॉय इमेजेस अपलोड करके, ये जो हमारी फाइल है, ये इस फाइल को हमने बनाया हुआ है, ठीक है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो अब जब ये हमारा क्रिएट हो गया, सो फिर मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसी में ये देखिए हमारा एक ये कंट्रो एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन ये है, ठीक। इस फंक्शन के लिए हम बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं इस पे चला जाता हूँ, ठीक है। अब दोस्तों ये काम कैसे कर रहा है, हमारे राउट्स के थ्रू कर रहा है। राउट कहाँ पर होता है, ये जो होता है राउट web.php के अंदर हमारा, ये राउट जो है जब भी लैरावल पे, लैरावल 8 की बात हो रही है, जब भी आप लैरावल 8 पे कंट्रोलर और उसके फंक्शंस को कॉल करेंगे, तो दोस्तों कभी आप मत बोलना ये वाली लाइन को आपको ऐड करना ही करना है ये, क्योंकि लैरावल 8 में नेम स्पेस के थ्रू जो यूज़ की गई है, तो कंट्रोलर को इस तरह से यहाँ पे कॉल करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास में दो मेथड है, एक है गेट और दूसरी है पोस्ट। दोस्तों सेम कंट्रोलर भी हम हिट कर रहे हैं, उसके फंक्शन दोनों डिफरेंट हैं, एक में हम व्यू को लोड कर रहे हैं, एक में हम उसको पोस्ट कर रहे हैं। तो होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपने ब्लेड वाले पेज पे, तो वहाँ से हमने फंक्शन से लोड किया, ये पेज लोड होगा। अब इस पेज में दोस्तों हमने क्या किया है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे बूटस्ट्रैप जो है यूज़ किया, आप देख रहे होंगे ये बूटस्ट्रैप की हमारे पास लाइब्रेरी है, ठीक है। इस लाइब्रेरी के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया jQuery, और यहाँ पे jQuery फॉर्म्स यूज़ किया हमने, ठीक है। अब दोस्तों मैं करने क्या वाला हूँ, ये जब हो जाए आपका, फिर हम स्क्रॉल करते हैं नीचे। तो मैंने एक कंटेनर लिया है, H1 टैग लिया है, और यहाँ पे एक अलर्ट आपको दिख रहा होगा, ये मैसेज, मैसेज हम बेसिकली जब सक्सेस हो रहा तो उसके लिए यूज़ कर रहे हैं। ये कैसे काम करेंगे हम अभी डिस्कस करेंगे, ये आपका ये क्लियर है। दूसरा हमने एक यहाँ पे यूज़ किया अलर्ट डेंजर, डेंजर का मैसेज आता है तो हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। सो यू कैन पुट हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी आप पुट कर सकते हो, तो भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे UL और इसको डिम में क्लोज किया हुआ है, ठीक है। जो भी यहाँ पे मल्टीपल इरर्स आती हैं तो यू कैन थ्रो आउट हियर, यहाँ पे भी आप उसको थ्रो कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। अब दोस्तों अब इसमें क्या होता है, लैरावल में आपको CSRF टोकन जो है वो भेजना होता है, तो यहाँ पे CSRF टोकन इस तरह से मैं जनरेट कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा, इवन यू कैन पुट लाइक दिस @CSRF ऑल्सो। सो अभी यहाँ पे इस तरह से पुट किया गया है। देन दोस्तों यहाँ पे क्या है, नेम है, हमने यहाँ पे नेम यूज़ किया है। उसके बाद में प्लेस होल्डर हमारे पास में नेम है, दूसरा हमारे पास में फील्ड है इमेज। तो इमेज में हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से सिंगल इमेज यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं। तो इमेज हमने इस तरह से लिया नेम में, और यहाँ पे अपलोड हमारा जो है वो बटन होगा। अब जैसे ही वो इमेज अपलोड होती है, यहाँ पे हम इमेज, यहाँ पे आप देखेंगे स्पैम में हमने यूज़ किया है अपलोडेड इमेजेस। तो इस स्पैम में हम इमेज जो हमारी है वहाँ पे अपलोड होने के बाद में हम यहाँ पे अपेंड कराएंगे। अपेंड कराने से क्या होगा, यहाँ पे आपकी जो इमेज है वो प्रॉपर वे में दिख जाएगी, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक यहाँ पे बेनिफिट होगा। सेकेंड हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, अब हम देखते हैं यहाँ पे नीचे document.ready फंक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। जब हमारा डॉक्यूमेंट्स रेडी हो जाएगा, सो उस टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एक बटन है जिसका नाम है ये देखिए यहाँ पे हमने डिफाइन किया फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में हमने एक आईडी दी हुई है, आईडी को जब ये फॉर्म जो है सबमिट होगा, तो उस टाइम में उसके इवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट जो है बेसिकली पूरा जो हमारा फॉर्म है उसका डेटा आ जाता है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एजेक्स कि इस URL को हिट मार रहे हैं, जिसके थ्रू इस URL को हिट मार रहे हैं, मेथड हमारी पोस्ट है, ठीक है। तो इस मेथड पे हम हिट मारेंगे और डेटा हमारा जेसन टाइप में होगा, कंटेंट टाइप, ठीक है। तो ये जो है हम यहाँ से यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे ही यहाँ से हम डेटा को पास कर रहे हैं, जैसे ही वहाँ से सक्सेस होता है तो एक मैसेज आएगा, और डिस्प्ले वहाँ पे नन कर रखा है हमने ऊपर, तो यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो जाएगा, और हमारा जो मैसेज है जो भी रिटर्न आएगा वो हम यहाँ पे डेटा सक्सेस में एड अ क्लास, हमारी जो क्लास होगी हम यहाँ पे क्लास का नेम ऐड कर देंगे,
ठीक है, इस तरह से क्लास नेम ऐड कर देंगे जो कि वहां से आ रही है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरा क्या है कि यहाँ से जो अपलोडेड इमेज है ये हम उस पर अपेंड करा देंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या होगा दोस्तों, यहाँ से जो हमारा मैसेज है तो हम यहाँ पे CSS ऐड कर देंगे, हम वहाँ पे HTML ऐड कर देंगे। तीसरा हम एक और क्लास ऐड करेंगे उसी मैसेज में जो हम वहाँ से सेंड कर रहे हैं। तो वो क्लास क्या होगी हम सब डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, ये जैसे ही अपलोड होता है तो हम इसको इस वाले में जो है इमेजेस यहाँ पे अपेंड करेंगे। हमने स्पैन यूज़ किया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। फिर जैसे ही सक्सेस होता है यहाँ पे आपको इस तरह से अलर्ट वगैरह सब कुछ आ जाएगा। तो दोस्तों ये तो रही बात किस तरह से आप अपने फॉर्म को आप दिखा सकते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू समथिंग। तो ये तो रही दोस्तों बात उसके लिए सक्सेस के लिए। अभी मैं जाता हूँ बैक। अब यहाँ से क्या होता है, हम आते हैं अपने फॉर्म में। लेट मी गो इनसाइड माय फॉर्म, कहाँ पे है हमारा एक, लेट मी गो अगेन। तो हमने यहाँ पे दोस्तों क्या किया है, हमारा जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर पे हम रिस्पॉन्स सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हमारा रिस्पॉन्स यहाँ से, देखिए अब क्या हो रहा है कि हमने वैलिडेशन यहाँ पे यूज़ किया है, इमेज रिक्वायर्ड यूज़ किया, इमेज इस तरह से यहाँ पे हमने इस फॉर्मेट पे लिया है। जो आपको वैलिडेशन देना हो, मैंने वैलिडेशन के ऊपर एक पर्टिकुलर इमेज वो भी वीडियो बना रखा है, तो आप वहाँ से भी जाके चेक कर सकते हैं। तो वैलिडेशन बेसिकली हमने यहाँ से पुट किया है, किस तरह से इमेजेस होंगी, क्या फॉर्मेट होगा, सब कुछ। ठीक है, यहाँ पे हमने मैक्सिमम साइज डिफाइन कर रखा है। इस वैलिडेशन को पास होता है तो हम इसके अंदर आता है। ठीक है, जैसे ही होगा हमारे पास में इनपुट टाइप में यहाँ पे इमेज है, और यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, एक तरह से टाइम स्टैम्प यहाँ पे यूज़ करके उसमें अपेंड कराएंगे उसके एक्सटेंशन का। तो हमारे यहाँ पे नाम मिल जाएगा हमें इमेज का नाम। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, हम उसको मूव कर रहे हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर पे, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर हम उसको मूव कर रहे हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे पास में पब्लिक नाम का फोल्डर है, उसके अंदर इमेजेस हैं। यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस आपको दिख रही होंगी। ठीक, अभी हमने ये सब अपलोड किया है। तो ये जो है इस तरह से इसके अंदर जो है यहाँ से इस तरह से हम भेज रहे हैं, मूव कर रहे हैं बेसिकली फाइल को। उसके बाद क्या है, हम डेटा एक मैंने अलग से वेरिएबल लिया है। इस वेरिएबल पे जो हमारा ये नेम है और यहाँ से जिस तरह से इमेज आ रही है, तो इसको अलग वेरिएबल में स्टोर करके करके मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। ORM का यूज़ करके जो हमने मॉडल ऊपर क्रिएट किया है उसका यूज़ करके मैं यहाँ से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर लगा के यहाँ पे डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ। ये जैसे ही डेटा इंसर्ट हो रहा है तो हम रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है इस तरह से JSON फॉर्मेट में, वो है सक्सेस मैसेज हमने यहाँ पे लिया है। हमने अपलोडेड अंडरस्कोर इमेजेस ली है। इमेजेस में क्या किया दोस्तों, मैंने वहाँ से इमेजेस लिया और जो यहाँ से इनपुट इमेज का नेम आ रहा है ये, तो मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, और यहाँ हमने जो क्लास है इसकी बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे क्लास उसकी की, जो आपको साइज़ देनी हो आप यहाँ पे दीजिए। उसके अंदर हमने क्लास नेम यहाँ पे सेक्स ये अलर्ट लिया है। ठीक है, इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, जैसे ये रिस्पॉन्स दे रहा है हम वहाँ पे जाके इस तरह से थ्रो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आप जो है डेटा को, जो हमारा रिस्पॉन्स है, इस तरह से हम रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रही बात किस तरह से आप जो है रिस्पॉन्स को दिखा सकते हो। अब मैं आता हूँ यहाँ पे, अब हम फॉर्म को सबमिट करते हैं। जैसे ये सब कुछ हो जाए हम डेटा को माइग्रेट कर देंगे, PHP आर्टिशन माइग्रेट की कमांड चलाएंगे, तो हमारी ऑटोमेटिकली जो ये टेबल है वो क्रिएट हो जाएगी। जब वो हो जाएगी तो आगे की प्रोसेस हम करते हैं। ठीक है, सो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अगेन मैं जाता हूँ, मैं यहाँ करता हूँ रियल प्रोग्रामर, जैसे रियल प्रोग्रामर, और यहाँ से मैं इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट किया और मैंने सबमिट किया। सो दोस्तों ये देखिए सक्सेसफुली सबमिट हो गई, हमारी इमेजेस भी आ गई। अब मैं इमेज को देखने के लिए हम जाते हैं, सबसे पहले आई या नहीं आई, तो मैं जाता हूँ पब्लिक फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर, और सबसे लास्ट में देखिए हमारी जो इमेजेस अभी अपडेट हुई है ये है। ठीक है, सो इस तरह से जो इमेजेस आ रही हैं यहाँ पे प्रॉपर अपडेट हो जा रही है। ठीक है, आप इस तरह से जो है लैरेवल में इमेज को एजेक्स का यूज़ करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो दोस्तों इफ़ आपको लगता है मैं आपके साथ में टाइप करते हुए आपको ये वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपके लिए वो वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। और इसके लिए मैंने एक ब्लॉग लिखा हुआ है, तो ये देखिए मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है। सो ये देखिए यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैंने बताई हुई कि किस तरह से आप जो है लैरवल पे इस तरह से लैरवल 8 का यूज़ करके किस तरह से आप यहाँ पे एजेक्स का यूज़ करके इमेज को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, किस तरह से क्या हो रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, इस पर भी मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और ये गिट है, गिट की मैंने यहाँ पे नीचे ना लिंक भी दी हुई है, तो जब आप इसको ओपन करेंगे गिट की लिंक को, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो मैं गया गिट की लिंक पे, यहाँ पे ये देखिए मैंने यहाँ पे अपलोड किया हुआ है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन किया हूँ मैंने यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका क्लोन देख सकते हैं, सारा कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सो और एक चीज़ है, और आपको कोई भी समस्या है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं या नहीं है,
क्या ये होनी चाहिए, तो आप अपना कमेंट्स जो है बिल्कुल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा आपके अकॉर्डिंग जो है मैं कितने अच्छे तरीके से समझा सकूँ, मेरा यही प्रयास रहेगा। तो प्लीज़ सबसे पहले आप कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।